नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से इज द कंडीशन अंडर विच अ माइक्रोवेव ओवन हीट्स अप अ फूड आइटम कंटेनिंग वाटर मॉलिक्यूल्स मोस्ट इफेक्टिवली इज और चार ऑप्शन अपने को दिए हुए हैं थ्योरेटिकल सवाल है नॉलेज यहाँ से हमारी टेस्ट की गई है तो सबसे पहले द फ्रीक्वेंसी ऑफ द माइक्रोवेव मस्ट मैच द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल दूसरा है फ्रीक्वेंसी ऑफ द माइक्रोवेव हैज नो रिलेशन विद द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल तीसरा है माइक्रोवेव आर हीट वेव सो ऑलवेज प्रोड्यूस हीटिंग ऑप्शन नंबर फोर है इन्फ्रा रेड वेव प्रोड्यूस हीटिंग इन माइक्रोवेव ओवन ऑल ये सवाल है इसको अगर एग्जाम हॉल में ऐसा सवाल आपको मिल जाए तो इसको सबसे पहले तो इस तरह के सवालों को अपने ऐसे अटैम्प्ट करना है कि यहाँ से सबसे पहले देखते हैं वो वाले ऑप्शन दैट यू कैन एलिमिनेट कि आपको पता है कि आंसर सही नहीं हो सकता तो ऑप्शन नंबर डी से इन्फ्रा रेड वेव प्रोड्यूस हीटिंग ये ऑप्शन या आंसर गलत है बिकॉज हम यहाँ पे माइक्रोवेव में माइक्रोवेव्स प्रोड्यूस करते हैं तो हीट वेव्स का यहाँ पर इंफ्रारेड वेव्स का कोई काम नहीं है सो ऑप्शन डी गलत है Uh, चौथा है माइक्रोवेव्स आर हीट वेव सो ऑलवेज प्रोड्यूस हीटिंग ये ऑप्शन भी गलत है दे डू नॉट ऑलवेज प्रोड्यूस हीटिंग सो ऑप्शन नंबर सी भी आपका राइट right आंसर नहीं है ऑप्शन नंबर बी से इस फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव हैज़ नो रिलेशन विद नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ये बात भी गलत है uh, यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं माइक्रोवेव काम कैसे करता है सो so, जैसी कोई चीज़ हम माइक्रोवेव में रखते हैं सो माइक्रोवेव यूजुअली उन चीज़ों को ज़्यादा हीट करता है जिनमें आपकी लिक्विड्स हैं या जो आपकी जिनमें ग्रेवी है उन चीज़ों को ज़्यादा गर्म करता है फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर आप दाल गर्म कर रहे हैं या फिर आप मान लीजिए गुलाब जामुन माइक्रोवेव में रखते हैं तो सेंटर से हीट करना चालू करता है और उसके बाद हीट वो आगे स्प्रेड करता है तो उसका प्रोसेस ये होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल की बेसिक उनकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है माइक्रोवेव भी उसी फ्रीक्वेंसी के आसपास होती हैं और वो जाके उनको एक्स्ट्रा वो वाटर मॉलिक्यूल को एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करती हैं और वो एनर्जी फिर सेंटर से आगे स्प्रेड आउट होती है आपके पूरे कंटेनर में कई बार हमने नोटिस किया है कि सेंटर में ज़्यादा चीज़ें गर्म होती है एज़ कम्पेयर टू साइड में सो so इसका राइट right आंसर होएगा ऑप्शन नंबर ए फ्रीक्वेंसी ऑफ द माइक्रोवेव मस्ट मैच द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल और इसी तरह से माइक्रोवेव में चीज़ें आपकी गर्म होती हैं Uh, so, option number A would be the most appropriate right answer here.